खबर महाराष्ट्र से, जहां नागरिकता कानून को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच मनमुटाव की स्थिति बन गई है। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आपको याद ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद उनका नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर को लेकर बयान भी आया था। उन्होंने केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए ये कहा था, किसी को इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है। अब उद्धव ठाकरे के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हम निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे कुछ और करना पड़ा तो हिचकेंगे नहीं। वहीं महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं कि सीए और एनपीआर का मुद्दा तीनों पार्टियों की समन्वय समिति में जाएगा और फिर महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला लेगी। बीजेपी ये दावा करे कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। मेरा निवेदन है आपसे, अभी तो मैं निवेदन ही कर रहा हूँ आपसे, आगे शायद कुछ और बात करनी पड़ जाए मुझे, लेकिन अभी तो मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र में वैसे रेजुलेशन पास होना चाहिए जैसा केरल में हुआ, जैसा बंगाल में हुआ है। 70 साल से जिस तरह से इस देश में हम रहते हैं उसी तरह रहेंगे। हम एनपीआर में कोई डिटेल नहीं देना चाहते हैं, और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है। ऐसे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे के बारे में बीच में शायद संसद में ही भूमिका स्पष्ट की है केंद्र सरकार ने, एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा। आसाम तक की बात है, वहां भी जो कुछ चल रहा है सबको पता है। रही बात एनपीआर की, वो और सेंसस तो हर 10 साल में होता है, वो होने की आवश्यकता है। ऐसा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना की सरकार है, सीएए है, एनआरसी है, एनपीआर है, इसके बारे में हमारे तीन ही पार्टी की जो प्रमुख नेता है इकट्ठा बैठेंगे। समन्वय समिति हमने बनाई है कि ऐसा जो सेंसिटिव मुद्दा है उसके ऊपर समन्वय समिति में चर्चा होगी, और समन्वय समिति में चर्चा होने के बाद राज्य शासन की भूमिका हम जाहिर करेंगे। एनसीएए एनपीआर को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के बीच मतभेद या महायुद्ध चल रहा है, और कांग्रेस को अपने ही जहां जिस प्रदेश में वो सत्ता में है उसमें महाराष्ट्र भी वो हिस्सेदारी है सरकार में, वहां की सरकार और यूपीए के बीच में बहुत बयानों में और नीतियों में बहुत फर्क दिख रही है। तो इससे स्पष्ट लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार शायद बहुत लंबी समय तक नहीं चलने वाली है।